हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया था और यहाँ पे देखो सेलर्स की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन इस लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाके चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था। ओके, मतलब आगे जाके क्या होने वाला है वो हिस्ट्री में पता चलेगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में चले जाएंगे तो हमें पता, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेवल है यहाँ पे, तो वो एक लेवल प्रॉपरली ड्रॉ कर देंगे हम। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायस की एंट्री, यहाँ से हम लोग इसका जोन बना लेंगे, यहाँ से भी बना लेंगे। ओके, तो ये हो गया उसका जोन। जैसे ही मार्केट जोन के अंदर रीच कर रहा है तो मैं एक बायस देखता हूँ, बायस के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ये रेड बनेगी तो हम लोग सेलर्स के लिए चले जाएंगे। तो देखते हैं, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट को हम लोग कम कर लेंगे। ओके, 4000 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा मैं एक नीचे का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट मेरे को और मार्जिनल सेफ्टी देगा तो मैं और एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बायस स्ट्रॉन्ग एंट्री कर दी, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये हमने एक जो लेवल बनाया था वहां पे जाके बायस वीक हो गए, यहाँ से रिजेक्शन खा लिया। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे सेलर्स कहीं पे तो अवेलेबल है। तो जैसे थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया हमने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। आप इस पैटर्न को भी जानते हो, कोई इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जिस नाम पे भी आप इसको बोल सकते हो, वो अभी फॉर्मेशन हो चुका है, जो एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग होती है, उसके बाद हम वापस एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। आप अगर इस कैंडलस्टिक की थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझोगे तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक बायर्स जोन है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो चुकी थी, वहीं से रिजेक्शन खाया है इस कैंडल ने। तो मार्केट और नीचे चला जाएगा तो हम लोग और एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्लेस कर देंगे। यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे जाने दो, ठीक है, यहाँ पे जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर मेरे को और एक मार्जिनल सेफ्टी मिल जाएगी उस लेवल तक। ओके, ये अभी प्रॉपर लेवल है, यही से मैं अभी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। देखो ये जो पहला ट्रेड अपना प्लेस हुआ था वो थोड़ा सा आप देख सकते हो तो बायर जोन तक नहीं गया था, तो बायर जोन तक नहीं गया था तो जैसे ही देखो मेरे को बायर जोन की तरफ चांस मिला, मैंने वहीं से ट्रेड प्लेस किया। तो ये अपना एक अच्छा खासा ट्रेड प्लेस हुआ है, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है ये शायद से लॉस होगा। ओके, शायद से नहीं, जरूर होगा लॉस, क्योंकि थोड़ा सा हमने जल्दी से एंट्री ले ली थी। ये एंट्री अपनी परफेक्ट है तो ये ट्रेड तो अपना जरूर भी होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा यहाँ पे कि क्या होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि अपने दोनों के दोनों ट्रेड विन हो चुके, जो कि मुझे यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं था ये विन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मैं यहाँ पे शो था। क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, उसका मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो बायर्स की एंट्री स्ट्रांगली हो चुकी थी, राइट। और इस कैंडल ने मुझे बता दिया कि इसने अभी तक यहाँ पे बायर्स अवेलेबल, क्योंकि एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिला था, राइट। तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया था, ओके, जो कि जोन क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक सेलर मोमेंटम, ऊपर सेलर्स थे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के, मतलब जोन में चला गया था, तो मैं श्योर था कि अभी तक उसने इस बायस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से ये चीजें बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे कैंडल रीच हो गई मेरे जोन की तरफ, तो मैंने वहां पे भी एक ट्रेड प्लेस कर दिया था, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया। तो हमने दोनों के दोनों ट्रेड उसी वजह से विन हो चुके, क्योंकि हमने बायस जोन के एंट्री होते ही हमने ट्रेड प्लेस कर दिया था। तो इसी तरह से कंफर्मेशन आपको लेना है, ये सारी चीजें मैं पर्सनल सेशन में बताता रहता हूँ। और पर्सनल सेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो, कोर्स के साथ पर्सनल सेशन के साथ कोर्स, आपको दोनों भी चीजें वहां पे मिलती है। मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाए हैं, वही स्ट्रेटेजी मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, और उसी स्ट्रेटेजी में आप वर्क करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे अभी गैप फिल हो चुकी है, ये पूरे जो सेलर्स बायर्स लेवल थी वो पूरी तरह से अभी फिल हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अभी सेलर्स अवेलेबल है स्ट्रांगली। देखेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे भी हम लोग ट्रेड प्लेस कर देंगे। अभी देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये तो देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद वाला जो मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ वो उसका मैं रीजन नहीं बताऊंगा, वो रीजन आपको सिर्फ पर्सनल सेशन में मिलेगा, क्योंकि मैंने वहां पे क्यों ट्रेड लिया, जिनने कोर्स लिया है, जिनको मैंने पर्सनल सेशन मेरे अटेंड किया, उसके बाद वाला जो मैं ट्रेड प्लेस करने वाला वहां पे क्यों मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, वो उसका मैं रीजन उनको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मुझे मार्जिनल सेफ्टी मिल जाएगी तो मैं एंट्री ले लूंगा वापिस से। तो देखते हैं यहाँ पे
मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों ये ट्रेड प्लेस कर दिया था, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जिसने कोर्स लिया है उसको ही पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक रिजेक्शन पे ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग दो ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे तीन ट्रेड प्लेस हो चुके हैं अपने, सॉरी, और ये एक ट्रेड अपना जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा रश करके यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया था। मुझे मार्जिन सेफ्टी के लिए वेट करना था, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्शन जरूर देगा ये मुझे पूरी तरह से पता है। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी जो कि नहीं बन रही, लेकिन एक वीक, ठीक है, वीक रेड कैंडल बन रही है, लेकिन यहाँ पे मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसका रीजन जिन जिनने कोर्स लिया है उनको पता है कि यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड ले रहा, क्यों इतने कंफर्मेशन से ट्रेड ले लिया। ओके, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए थी, मैंने कहा था, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो क्योंकि मैं अपने स्ट्रैटेजी पे बहुत ही श्योर रहता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने कोर्स में बताई है, पर्सनल सेशन में भी बताया, तो जिनने पर्सनल सेशन मेरे अटेंड किया उनको तो पता ही है। तो इसी तरह से आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड प्लेस करने होंगे तो आप प्लीज कोर्स को लीजिए, उस पर आप वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, और नहीं तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई है आपको ठीक से, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और प्रो बनना है तो उसके लिए तो आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें से समझा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ हमेशा, और इसी तरह से हम लोग प्रॉफिट करेंगे, ग्रो करेंगे, लर्न के बाद लर्निंग के बाद अर्निंग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।